चेंज अफरीदी ने कसम उठाई हुई है रोहित बेशक नेपाल का हो या इंडिया का, इन फिंगर यॉर्कर मार के आउट करने। जैसे कि आज नेपाल के बैट्समैन को उन्होंने आउट किया, रोहित नाम था उनका, बहुत ही प्यारा इन स्विंग यॉर्कर। पाकिस्तान की टीम के लिए एक बात बहुत ही मशहूर है कि पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है, अगर कोई वो अच्छी टीम के खिलाफ खेल रही है तो पाकिस्तान फिर अच्छा खेलती है, अगर लो रैंक टीम के साथ खेल रही है तो फिर थोड़ा मैच फंस के होता है, मैच फंस के जीती है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, आज पाकिस्तान ने दिखाया कि भाई मैं नंबर हम नंबर वन है, तो नंबर वन ऐसे खेलते हैं। तो बहुत ही प्यारी बैटिंग की पाकिस्तान की तरफ से, बाबर आजम से 47 और पाकिस्तान से 238 रन से हार हुई है नेपाल। नेपाल को वेलकम करते हैं हम एशिया कप में और अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उनके बारे में क्या है, अभी उन्होंने शुरू किया 27 ओवरों तक जिस तरह उन्होंने पकड़ बना के रखी थी मैच में, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि नेपाल फैंस के लिए, नेपाल क्रिकेट के लिए हमें दाद देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने फिर बताया नंबर वन। वैसे नेपाल की टीम को एक उम्मीद है, एशिया कप में आए हैं और उनको ये कोई बात नहीं, अगर आज उनके लिए दे रहे हैं तो कल उजाले भी होंगे उनके लिए। अभी तो क्रिकेट की शुरुआत की है उन्होंने, इंशाल्लाह उनका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह की आज नेपाल ने शुरुआत की थी, लग रहा था कि जिस तरह का उनके फैंस में कॉन्फिडेंस है और उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है वो कुछ करेंगे। रन आउट किया फखर को आउट किया, उसके बाद रिजवान को जो रन आउट किया वो बहुत ही अच्छी फील्डिंग और 22 ओवर तक लग रहा था, लेकिन उसके बाद बाबर आजम आए और उन्होंने बताया भाई नंबर वन क्या होता है। और बाबर आजम और इफ्तिखार की जितनी भी तारीफ की जाए कम है बैटिंग की, आज उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। जिस तरह बाबर आजम ने इस मैच में बहुत ही आराम के साथ शुरुआत की, क्योंकि 4 विकेट आउट हो चुके थे, तो पहला 50 उन्होंने 72 बॉलों पे मारा, उसके बाद थोड़ा सा तेज खेलते हुए अगला 50 उन्होंने 37 बॉलों पे मारा, उसके बाद जो तीसरा 50 था वो 20 बॉलों पे मारा। और यहाँ पे इफ्तिखार की करनी चाहिए, पहला शो था उनका ओडीआई में और बहुत ही अच्छा खेले इफ्तिखार अहमद, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम ने उनके शो को दबा दिया है, क्योंकि बाबर आजम ने यहाँ पे रिकॉर्डों की भरमार लगा दी है। सबसे तेज तरीन 1900 करने वाले बैट्समैन बन चुके हैं बाबर आजम, इनसे ऊपर इनसे बाद थे हाशिम आमला जिन्होंने 104 मैचों में किया, उसके बाद मेरे ख्याल में विराट कोहली है जिन्होंने 124 मैचों में किया था, और उसके बाद आते हैं डिविलियर, एबी डिविलियर मेरे ख्याल में उन्होंने 171 मैचों में एंकरे अबुल। तो बाबर आजम के लिए जितनी भी तारीफ काम की जाए वो काम है। और आपको बताते चलें पाकिस्तान में भी वो दूसरे नंबर पे आते हैं, इनसे ज्यादा एक शहीद आज हैं जिनके 20 हैं। और अगर एशिया कप में बाबर आजम पहले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा स्कोर किए हैं एज अ कैप्टन, आज से पहले एशिया कप में कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं है जिसने 150 से पार जाके रन बनाए। उनका साथ निभा रहे थे चाचा इफ्तिमिया, तो इफ्तिमिया ने आज पहला शो मारा 109 बॉलों पे 109 किया, लेकिन उनका पहला शो था, लेकिन उनके शो को दबा दिया कहीं ना कहीं बाबर आजम के 151 रन ने। बाबर आजम पाकिस्तान में थर्ड प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शो किए हुए हैं, इनसे ऊपर आते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के ही बेस्ट टॉप थ्री नहीं है जो बाबर आजम से ऊपर आते हैं, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के हैं, जिनको ऑल टाइम मिडल ऑर्डर का बेस्ट बैट्समैन कहते थे। आपने इस वाक की बात भी सुनी होगी, उन्होंने भी कहा कि तेंदुलकर ओपनर एज अ ओपनर है, लेकिन मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो इस मामला उससे ऊपर आते हैं मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें आप जानते हैं कि उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला रिकॉर्ड आज तक उनका नहीं टूट सका, उनके 3900 है। उससे ऊपर आते हैं मोहम्मद यूसुफ जिनके 4100 हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, बाबर आजम ने सबसे कम मैचेस खेले इन तीनों में से। अगर आप इज़माम की बात करें, उन्होंने 588 वनडे इंटरनेशनल खेले जिसमें उन्होंने 35 सेंचुरीज मारी, और बाबर आजम ने सिर्फ 288 इनिंग्स खेली हैं जिसमें उन्होंने 1900 मार चुके हैं, मतलब 288 इनिंग्स में बाबर आजम का ये रिकॉर्ड। बाबर आजम ने सईद अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी की, उनके भी 3100 थे लेकिन उनके 300 कुछ मैचेस में थे। लेकिन सईद आज भी पाकिस्तान में जो ओल्ड प्लेयर हैं वो ऑल टाइम बेस्ट ओपनर मानते हैं और ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर मानते हैं सईद अनवर। कहीं ना कहीं वो बात ठीक है, जहां से सईद अनवर बैटिंग करते थे जिन टीमों के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की है, बाबर आजम उस तरह की टीमों के साथ उनका इतना नहीं हुआ। इस मैच में 214 रन की पार्टनरशिप होती है बाबर आजम और इफ्तिखार के दरमियान, जो ऑल टाइम छठे नंबर बेस्ट इनिंग है, बेस्ट पार्टनरशिप है, और ये पाकिस्तान की ऑल टाइम पहली इतनी बड़ी पार्टनरशिप है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इफ्तिखार ने भी आज 100 किया और इफ्तिखार भी आज पाकिस्तान के फिफ्थ प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने छठे नंबर पे आके 100 मारा है। इनसे पहले बहुत पहले 2014 में या 13 में उमर अकमल ने किया था ये कारनामा, और मोहम्मद उमर अकमल आज कहां है। ये पाकिस्तान की पुरानी डिबेट है कि हमेशा हमने बहुत से ऐसे प्लेयर जो बहुत ही अच्छे खेलते हैं उनको हम जाया किया टैलेंट को, जिनमें आसिफ आमिर और
उमर अकमल और एक टेस्ट प्लेयर भी आते हैं, अगर आपको उनका नाम याद हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टाइम पहले उन्होंने दोबारा कमबैक भी किया था 10 साल के बाद। अगर बात करें नेपाल की तो बॉलिंग में कोई इतना खास कर नहीं पाए, बैटिंग में आए थोड़े बहुत, एक ही उनकी बात की जाए अगर कुछाल की, जो शहनशाह अफरीदी को उन्होंने दो चौके लगाए वही अच्छे थे, उसके बाद शहनशाह अफरीदी ने वो वापस ले लिया। तो बस आज के मैच की इतनी ही आपसे बात, फिर मिलेंगे।